नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ क्यू में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बेहतरीन जानकारी और हेल्थी रहने के उपाय। शैम्पू के बाद बालों में कंडीशनर लगाने के सही तरीके। बालों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। बाजार में उपलब्ध महंगे उत्पादों के साथ कई घरेलू उपचार भी हैं। हम में से कई लोग अक्सर बालों के लिए शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कंडीशनर लगाने का सही तरीका नहीं जानते हैं। तो आज हम आपको शैम्पू के बाद बालों में कंडीशनर लगाने के सही तरीके बताने जा रहे हैं। अक्सर विशेषज्ञों द्वारा ये सलाह दी जाती है कि कंडीशनर बालों को स्वस्थ रखने और नुकसान से बचाने में मदद करता है, इसलिए शैम्पू के बाद बालों में सही कंडीशनर जरूर लगाना चाहिए। नहाने से पहले उलझे बालों को अच्छी तरह से कंघी कर लें, ताकि उन्हें टूटने से बचाया जा सके। इसके बाद अपने बालों को सूट करने वाले सही शैम्पू और सही कंडीशनर का चुनाव करें। ऐसा शैम्पू और कंडीशनर चुनें जो आपके बालों को कोई हानि ना पहुंचाए। अगर आपके बाल रूखे और बेजान हैं, तो आप कोई क्रीमी कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने बालों को कलर करवाया है, तो ऐसा कंडीशनर चुनिए जो आपके बालों के रंग पर कोई प्रभाव न डाल सके। स्टेप 1, बालों को अच्छी तरह से धो लें। सबसे पहले अपने बालों को शैम्पू की मदद से अच्छी तरह से धोएं। अगर आपके बालों में तेल लगा हो, तो बालों को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोएं। साथ ही स्कैल्प को भी अच्छी तरह से साफ कर लें। ऐसा करने के बाद आपके बालों पर कंडीशनर ज्यादा अच्छे तरह से प्रभाव डाल पाएगा। स्टेप 2, बालों को सुखा लें। अब अपने बालों को हल्का सुखा लें। याद रखें कि अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा पानी है, तो कंडीशनर बालों को ना लग के पानी के साथ निकल सकता है। इसलिए बालों में कंडीशनर लगाने से पहले ये एहतियात बरतना कि बाल ज्यादा गीले ना हो, बहुत जरूरी है। स्टेप 3, उचित मात्रा में कंडीशनर लें। अब उस कंडीशनर को अपने दोनों हथेलियों पर लगा लें। याद रखें कि बालों की लेंथ और उनके बनावट के आधार पर ही आप अपना कंडीशनर लें। यानी जिसके बाल छोटे हैं, वो कंडीशनर की मात्रा कम लें, और जिनके बाल ज्यादा बड़े और घने हैं, वो कंडीशनर की मात्रा अधिक लें। स्टेप 4, कंडीशनर अच्छी तरह से लगाएं। अब अपने बालों को एक तरफ ले जाएं और दोनों हथेलियों पर लिए हुए कंडीशनर को बालों की लंबाई के बीच से उनकी टिप तक अच्छे से लगाएं। कंडीशनर लगाते समय बालों में ज्यादा खिंचाव ना आए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना होने पर ज्यादा हेयर फॉल होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा याद रखें कि आप कंडीशनर को अपनी स्कैल्प पर ना लगाएं। स्टेप 5, बालों को फैला लें। अब कंघी की मदद से अपने बालों को अच्छी तरह से फैला लें, ताकि कंडीशनर बेहतर तरीके से आपके बालों में लग सके। स्टेप 6, बालों को सुखा लें। अब अपने कंडीशनर को 1 से 2 मिनट के लिए बालों पर वैसे ही छोड़ दें, और फिर धीरे धीरे हल्के हाथों से अपने बालों को धो लें। धोने के बाद एक तौलिए से बालों को धीरे धीरे करके सुखाएं। याद रखें कि बालों को सुखाते वक्त ज्यादा जोर ना लगाया जाए, वरना कंडीशनर का फायदा नहीं होगा। साथ ही आपके बाल भी तुरंत घुंघराले हो जाएंगे। अपने बालों को तुरंत ब्लो ड्राई भी ना करें, इससे बालों की चमक और कंडीशनर का पोषण दोनों बना रहेगा। दोस्तों, हेल्थ से जुड़ी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल हेल्थ क्यू के साथ, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी जानकारी से वंचित ना रह पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो साथ ही इसे लाइक व शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।